पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर वन में हैं, उनकी डेट शीट आ चुकी है। इनमें से कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, रेगुलर है, रीअपियर है, एडिशनल कैंडिडेट हैं। इसके साथ सेम फॉर USOL लिखा है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंडिडेट, इट मींस डिस्टेंस वालों के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन से जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी यही डेट शीट होगी। एग्ज़ामिनेशन कब होगा, जनवरी फरवरी 2024। थ्योरी एग्ज़ाम है ये, प्रैक्टिकल नहीं है। टाइम क्या रहेगा, 9:30 से 12:30 बजे तक। और डेट शीट क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है 10 जनवरी को वेंसडे है, फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है 11th थर्सडे को पेडागॉजी के पेपर हैं। ऐसे अरेंज किया गया है कि आपको दूसरे पेपर में छुट्टी मिल सके। तो 3 पेपर हैं 11 तारीख को, एक है पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स, पेडागॉजी ऑफ सोशल स्टडीज़, पेडागॉजी ऑफ साइंस। एडमिशन के वक्त हमने बात की थी कि ये कौन से कॉम्बिनेशन साथ में नहीं मिलते। इट मींस ये जो कॉमर्स और सोशल स्टडी का एक दिन पेपर हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेंगे। साइंस और सोशल साइंस साथ में नहीं मिल सकती। इधर साथ में कोर्स कोड लिखे गए हैं जो आप क्वेश्चन पेपर आता है आपका, तो उस क्वेश्चन पेपर में ये जो कोड है आपको साथ में देखने को मिलते हैं। आपको याद भी रखने चाहिए कि कौन सा पेपर आपका है। अब आपका नेक्स्ट पेपर है 12 जनवरी फ्राइडे को है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, CDP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है ये। रहे इसकी कोडिंग आप देख सकते हो। 13 जनवरी को सैटरडे को एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये पेपर आपका हो गया। ये मेरे ख्याल में यहाँ लिखा हुआ है F1.4 है ना। नेक्स्ट है 15th को मंडे को टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का F1.3, एफ फॉर फाउंडेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 16th को ट्यूसडे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, 17th को वेंसडे। ये देखिए कितने पेपर हैं, ये पेपर इकट्ठे आपको नहीं मिल सकते, ये जो मैंने किए ना हाईलाइट। तो ये पेपर है आपका पहला, ये देखिए यहाँ पर साथ में कोड भी आप देख सकते हो। पहला पेपर है आपका किस डेट को, 17 तारीख को, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागॉजी ऑफ म्यूज़िक, पेडागॉजी ऑफ होम साइंस, पेडागॉजी ऑफ फाइन आर्ट्स, पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी, पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सोशल साइंस, ये आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनते। यहाँ लिखा हुआ है ना सेम फॉर USL कैंडिडेट, इट मीन डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी डेट शीट सेम होगी। इनके जो कोड्स हैं वो साथ में इधर लिखे गए हैं, क्वेश्चन पेपर पर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है 18 तारीख को आपकी ICT स्किल डेवलपमेंट का पेपर है, कोड इसका F1.5 है शायद। 19th को है फ्राइडे को पेडागॉजी ऑफ हिंदी, और 20th सैटरडे को है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, 22nd को है मंडे को पेडागॉजी ऑफ पंजाबी, देन 23rd को ट्यूसडे को पेडागॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 24th को वेंसडे को है पेडागॉजी ऑफ संस्कृत, 25th को थर्सडे पेडागॉजी ऑफ लाइफ साइंस। ये आपकी डेट शीट है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं, वो रीड कर लेनी चाहिए। फर्स्ट है नोट, द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू कैरी द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज मोबाइल, ही आपको पता है मेरे ख्याल में, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, पनिशेबल है। दूसरा है फॉर क्लैश, अगर किसी का क्लैश होता है, मीन एक दिन ही दो पेपर आ जाते हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करना होगा यूनिवर्सिटी को। लिखा है द कैंडिडेट हैज़ टू सेंड हिज और हर ईमेल अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड ऑफ बोथ क्लैशेज रिगार्डिंग दिस इशू। अगर आपके क्लैश हो जाते हैं, आपको दोनों पेपर की जानकारी देनी होगी कि ये मेरे सेम डे आ गए हैं,
किस पर, ये ध्यान से देखिए, डेट शीट एट पीयू डॉट एसी डॉट इन बाय क्लियरली मेंशनिंग इन विच पेपर ही शी हैज़ टू अपीयर, आपको किस पेपर में अपीयर होना है और किसको आपने छोड़ना है आपने ये देखना है। और फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये नंबर दिया गया है 0157 2 नंबर है आगे, ये कोड था 2534810 और दूसरा है 2541303। ठीक, तो इसका लिंक डेटशीट अगर आपने देनी है नीचे लिंक दिया गया होगा। एप्लीकेशन फॉर क्लैश इफ एनी विल बी एंटरटेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन, जिस दिन आपका पेपर है उसके 10 दिन के भीतर भीतर आपको यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन देनी होगी। कैंडिडेट एडवाइज टू बी टच इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रिगार्डिंग, क्योंकि कोई चेंज हो सकता है इसलिए आपको साथ साथ में डेट शीट से अपडेट रहना पड़ेगा। अगर मेरे को टाइमली सूचना मिलती है तो मैं भी अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट आपके हैं जो स्टेशन हैं और आपकी जो जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उनकी लिस्ट है, मैं दिखा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको सारी जाननी। अबोर 16 नंबर से शुरू हो रही है, डीएवी कॉलेज एजुकेशन, अबोर 17 है, एमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है ना, ये मैं आगे कर रहा हूँ, आप खुद देख लेना, सारी रीड नहीं करूँगा, आप स्टॉप करके पॉज करके इसको देख सकते हो, आगे कर रहा हूँ, फिर नंबर क्लोज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ये रही, मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, फिर भी दिखा देता हूँ, कोई एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, ये रहे, दैट्स ऑल। और अगर आपने ये डेट शीट देखनी है, मैंने कैसे देखी है, ये मैं गया डेट शीट पर, यहाँ पर नहीं, ये इससे पहले ये, हाँ बैक जाके दिखाता हूँ मैंने क्या फिल किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा, ये लिंक नीचे भी दे देता हूँ आपको, फोकस नहीं हो पा रहा, लिखा है exams.puchd.ac.in जहाँ आप फिल कर सकते हैं कि pu.datesheet 2023। थैंक यू।